इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे निकल प्रिज्म क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। आइए समझते हैं व्हाट इज़ निकल प्रिज्म। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से, कंसिडर कर लेते हैं ये कोई निकल प्रिज्म है, एनपी निकल प्रिज्म। जब यहां पर ये अनपोलराइज्ड लाइट कैसी लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट, जब ये अनपोलराइज्ड लाइट इस निकल प्रिज्म पर आकर के इंसिडेंट होती है और यहां से गुजर जाती है यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो यहां पर हमको मिलती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आप यहां पर देखेंगे ये थी अनपोलराइज्ड लाइट और यहां पर मिली हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आप यहां पर देख सकते हैं निकल प्रिज्म क्या होता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर वाइब्रेशन बोर्ड के प्लेन में भी है और बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर भी हैं, बट जैसे ही लाइट इससे गुजर जाती है तो यहां पर हमको क्या मिलती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि यहां पर जो वाइब्रेशन है वो ओनली बोर्ड के प्लेन में है। तो निकल प्रिज्म यही काम करता है। तो दोस्तों हमारे पास में और भी कई सारी टेक्निक होती हैं जिससे हम अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे पोलरॉइड या फिर एच पोलरॉइड, बट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं निकल प्रिज्म। आइए देखते हैं निकल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं, निकल प्रिज्म को हम कैसे बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन तो ये बना होता है कैल्साइट क्रिस्टल का। अभी कैल्साइट क्रिस्टल क्या होता है, तो ये होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल होता है और इस क्रिस्टल को हम क्या करते हैं, रोम्बोहेड्रल शेप में लेते हैं। अभी रोम्बोहेड्रल शेप क्या होती है आइए देख लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं इस बुक की अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ थोड़ा सा, यहाँ से और यहाँ से काट दूँ, तो ये बन जाएगी रोम्बोहेड्रल शेप, यानी कि इसको थोड़ा तिरछा कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे ये शेप बन जाएगी रोम्बोहेड्रल शेप। जब हम रोम्बोहेड्रल शेप लेते हैं CaCO3 या कैल्शियम क्रिस्टल की, तो इसकी जो लेंथ होती है, इसकी ये लेंथ, ये इसकी विड्थ की 3 times होनी चाहिए, यानी कि अगर लेंथ मान लेते हैं विड्थ मान लेते हैं एक्स मीटर, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3x मीटर हो जाएगी, यानी कि लेंथ विड्थ की 3 times होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर बात करते हैं निकल प्रिज्म की, तो ये क्या होता है, ये बना होता है कैल्साइट क्रिस्टल का या फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं ये रोम्बोहेड्रल शेप है, यह है रोम्बोहेड्रल शेप। अब आप यहां पर देखेंगे इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है 71 degrees ये, और ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 109 degrees। आप यहाँ पर देखेंगे अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये होती है रोम्बोहेड्रल शेप, क्या होती है इस तरीके से होती है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये वाला जो एंगल होता है ये कितना होता है 71 degrees, और जब ये इस तरीके से होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 109 degrees, यही होती है रोम्बोहेड्रल शेप। अब क्या करते हैं इसको कुछ और घिसते हैं, कुछ और काटते हैं, यानी कि इस एंगल को बढ़ा करके 71 से कम कर देते हैं, कितना कर देते हैं 68 degrees। जब ये एंगल छोटा हो जाएगा तो ये वाला एंगल बढ़ जाता है, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 112 degrees। रोम्बोहेड्रल शेप में हम क्या करते हैं इसको थोड़ा और घिसते हैं, थोड़ा और काटते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे,
एक तो पहले से ये झुका हुआ था इस तरीके से, कितने पर, ये वाला एंगल 71 डिग्री, ये वाला एंगल ये कितना था 109 डिग्री। अब मैंने इसको थोड़ा और काट दिया, जब थोड़ा और काटा तो ये वाला एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया, कितना हो गया 68 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 112 डिग्री। बट दोनों एंगल का एडिशन 180 होना चाहिए, लेकिन कितना था ये 109, ये कितना था 71, दोनों का एडिशन 180 था। अब कितना है ये 112 डिग्री, और यहाँ पर कितना है ये 68 डिग्री, इन दोनों का एडिशन अभी भी कितना है 180 है। अब क्या करते हैं इसको हम इस शेप को, तो मैं इस वाली शेप को रिपीट कर रहा हूँ, ये ओनली ये इस तरीके से, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 68 डिग्री, और ये वाला एंगल हो गया 112 डिग्री, जैसे हमने सोच किया। अब क्या करते हैं इसको हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं डायगोनली, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, काट देते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से, और इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिज्म। इसको दो फेस में यहाँ से काटते हैं, अगर ये रोम्बोहेड्रल शेप है ऐसी, तो मैंने इसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से आप यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रिज्म, जब यहाँ से काटा तो एक प्रिज्म ये मिल गया और एक प्रिज्म ये मिल गया, दोनों को अलग अलग कर लिया। इस वाले को आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से रखा हुआ है, इसको मैंने डायगोनली यहाँ पर काटा इस तरीके से, ब्रेक कर दिया, ये अलग और ये अलग, तो एक प्रिज्म ये मिल गया और एक प्रिज्म ये मिल गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों पार्ट को अलग करके यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं कनाडा बासम, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.55। एक मटेरियल होता है कनाडा बासम, सीमेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। इन दोनों के बीच में यहां पर फिल कर देते हैं और इसको चिपका देते हैं। आप यहां पर देखेंगे ये क्या था, रोम्बोहेड्रल शेप थी, हमने इसको यहां से काटा तो ये दो प्रिज्म बन गए। जब दो प्रिज्म बन गए तो इन दोनों प्रिज्म के बीच में हमने कनाडा बालसम की एक लेयर से इसको चिपका दिया, और ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और ये बन जाता है निकोल प्रिज्म। इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर बात करते हैं रोम्बोहेड्रल शेप की, तो इसके अंदर सभी सरफेस कितने होते हैं, सभी सरफेस 6 होते हैं, और ये 6 के 6 पैरेललोग्राम होते हैं, मतलब देखेंगे ये पैरेललोग्राम है ये, तो ये भी क्या होगा, ऊपर वाला पैरेललोग्राम, यानी कि सब के सब क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। तो एक बार रिपीट करूँगा, कैल्साइट क्रिस्टल के हम क्या करते हैं, रोम्बोहेड्रल शेप लेते हैं जिसकी लेंथ थिकनेस से 3 times हो। ये वाला एंगल कितना होता है 71 डिग्री, ये वाला एंगल कितना होता है 109 डिग्री होता है। तो इस शेप को हम थोड़ा सा और काट देते हैं, थोड़ा सा और यहाँ से, तो ये वाला एंगल 71 से 68 हो जाता है, और ये वाला एंगल देखेंगे 109 से 112। जब ऐसा काटेंगे तो ये वाला एंगल इंक्रीज हो जाएगा और ये वाला एंगल डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये पहले वाले दोनों एंगल थे और बाद वाले दोनों एंगल ये हैं, कितने हो गए 68। उसके बाद में उसको डायगोनली काटते हैं यहाँ से, जैसा कि मैंने ये वाली शेप यहाँ पर बनाई हुई है, यहाँ से काटते हैं, यहाँ पर दो प्रिज्म निकल गए, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिज्म। ये निकल क्या है, निकल साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए इसको निकल प्रिज्म बोला था। और यहाँ पर हम कनाडा बालसम की एक लेयर यहाँ पर रख के इसको चिपका देते हैं और ये बन जाता है निकल प्रिज्म। तो ये कहाँ पर है, तो ये वाली यहाँ पर होगी इस तरीके से डायगोनली, ये यहाँ पर ये डायगोनल है। तो इस डायगोनल पर हम क्या कर देते हैं, कनाडा बासम के लिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.55 होता है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं क्या होता है। ऐसा मान लेते हैं जब कोई लाइट रेज यहां पर आती है अनपोलराइज्ड, ये कैसी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, तो कैल्साइट क्रिस्टल की ये खूबी होती है कि डबल रिफ्रैक्शन करता है। अभी डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये 2 parts में डिवाइड हो जाती है रे, एक रे तो ये इस तरीके से जाती है, और दूसरी रे यहां पर आती है और यहां पर इस तरीके से। और एक काम और कर देते हैं, यहां पर हम इसको पॉलिश कर देते हैं इस लेयर पर, और यहां पर भी हम इसको पॉलिश करते हैं, ये मैं बताना आपको भूल गया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे हमने इसको यहां से काट कर
यहाँ पर लगा दिया तो ये ऊपर वाली सरफेस है ये, और जो नीचे वाली सरफेस है यहाँ पर हम पॉलिश कर देते हैं, जिससे क्या हो लाइट रेज बाहर नहीं आ पाए, ना तो यहाँ से आ पाए और ना ही यहाँ से आ पाए। यहाँ पर लाइट रेज का एब्जॉर्प्शन हो जाना चाहिए, यानी कि अवशोषित हो जाए, यहाँ पर भी ऊपर वाली सरफेस पर भी और नीचे वाली सरफेस पर ही। अब देखेंगे तो ये कैल्साइट क्रिस्टल की या निकोल प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि ये डबल रिफ्रैक्शन करता है, अनपोलराइज लाइट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। तो इसको हम बोलते हैं ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। अब ये क्या होती है, इसको हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और ये होती है, ये वाली जो रे है इसको हम बोलते हैं ओ रे, ऑर्डिनरी रे, यानी कि कैल्साइट क्रिस्टल की यही खूबी होती है, और इसी की वजह से हमने कैल्साइट क्रिस्टल का निकल प्रिज्म बनाया था। ये अनपोलराइज्ड लाइट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक ओ रे और यहाँ पर एक हो गई ई रे। अभी जो निकल प्रिज्म है यानी कि कैल्साइट क्रिस्टल है, इसके लिए टू टाइप्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। कितने टाइप के? टू टाइप्स के। अगर बात करते हैं ओ रे के लिए तो ये होता है 1.65, ऑर्डिनरी रे के लिए इस कैल्साइट क्रिस्टल का निकोल प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जैसे ही बात करते हैं ई रे के लिए म्यू ई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो ये होता है 1.48। बट यहाँ पर जो हमने ये कनाडा बसन की लेयर लगाई है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.55। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो लेयर है वो ओ रे के लिए रेयर मीडियम काम करती है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है ओ रे से। ओ रे का कितना है 1.65, जबकि कनाडा बसम का कितना है 1.55। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ म्यू सी, यानी कनाडा बसम कितना होता है ये 1.55, यानी कि ओ रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस क्रिस्टल के लिए वो कितना है 1.65, और ये कितना है 1.55। इसका मतलब ये वाला मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम, और ये वाला क्या होता है, डेंसर मीडियम। इसी वजह से ओ रे यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाती है, इसलिए हमने इसकी लेंथ को ज़्यादा रखा था। इसकी लेंथ से ज़्यादा रखने से फ़ायदा ये होता है कि जो रे है ऑर्डिनरी रे वो यहाँ पर इंसिडेंट होती है क्रिटिकल एंगल पर, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और जब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो इस वाली लेयर पर आकर के ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। जैसे ही बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू ई है, वो इससे कम होता है, यानी कनाडा बसम की जो लेयर यहाँ पर होती है वो डेंसर मीडियम का बिहेव करती है, और इसी वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे सीधी निकल जाती है रिफ्रैक्ट होते हुए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, जो ऑर्डिनरी रे थी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो उस सिचुएशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। होता क्यों है, जो पहला मीडियम है वो दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में डेंसर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे ओ रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, और सी के लिए कनाडा बसम के लिए कितना है 1.55, यानी कि म्यू ओ म्यू सी से बड़ा है। और जैसे बात करते हैं म्यू ई क्या है, छोटा है म्यू सी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई रे के लिए ये वाली जो लेयर है ये डेंसर मीडियम का वर्क करती है, ओ रे के लिए ये रेयर मीडियम का वर्क करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओ रे का क्या हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और ये लाइट यहाँ पर मुड़कर रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर एब्जर्व कर ली जाती है, और ये दूसरी रे यहाँ पर निकल जाती है। तो दोस्तों यही था निकल प्रिज्म, अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। किस पर बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है डबल रिफ्रैक्शन पर। जो ऑर्डिनरी रे होती है उसको हम एब्जर्व करा लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है वो सीधी निकल जाती है, और यहाँ पर हमको मिलती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो एक बार रिपीट कर दूंगा, भाई रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल देते हैं, और क्रिस्टल लेने के बाद में इसको हम थोड़ा सा घिस देते हैं, जिससे एंगल कितने हो जाए 68 11 12। उसके बाद में इसको बीच से काटते हैं डायगोनली, और यहाँ पर हम कनाडा बसन की लेयर, ये ट्रांसपेरेंट होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, यहाँ पर फिल कर देते हैं, चिपका देते हैं, ऊपर भी पॉलिश कर दिया ब्लैक और नीचे भी पॉलिश कर दिया ब्लैक, और ये बन जाता है निकोल प्रिज्म। अगर यहाँ पर ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो यहाँ पर हमको मिलती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, तो इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना होता है। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू, शुक्रिया।